नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्रहार, आप देख रहे हैं एक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और खेलने वाले हैं कंट्रोल करके जो पीसी के अंदर गेम है उस गेम को। सो आप में से बहुत से लोगों का ह्यूज दोस्तों रिक्वेस्ट था जो कंट्रोल गेम है उसे खेलने के लिए। सो मैंने सोचा चलो आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं। सो कंट्रोल गेम को मैंने एसर एक्सपर्ट 7 लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर लिया है एंड कुछ इस तरह से हमें मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑप्शन में जाना चाहूँगा दोस्तों, एंड यहाँ पर डिस्प्ले नहीं भाई साहब, डिस्प्ले नहीं, इंटरफेस हो गया। सो यहाँ पर गेम प्ले के अंदर आप देख पाओगे जो भी सीरीज है उसको डिफॉल्ट सीरीज से कोई भी सीरीज के साथ अभी मैंने फिलहाल छेड़छाड़ नहीं किया है। तो सीधा गेम को शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ब्राइटनेस को थोड़ा सा हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो चलो सबटाइटल को भी ऑन कर लेते हैं। स्टार्ट न्यू गेम। सो अभी दोस्तों ऊपर आप दोस्तों जीपीयू का परफॉर्मेंस, सीपीयू का परफॉर्मेंस एज वेल रैम का एंड जो एफपीएस है वो भी आप देख पाओ। ओके, एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर जीपीयू 1 का मतलब है GTX 1650 एंड जीपीयू 2 का मतलब है इंटेल USD 610, क्योंकि एसर एक्सपर्ट 7 लैपटॉप के अंदर आपको दो मिलती है जीपीयू, जो कि एक टाइम पर एक ही काम में आता है, बट कुछ उस टाइम दो जीपीयू भी काम करती है, जैसे आप देख पाओगे। सो यहाँ पर कंट्रोल गेम हमने इंस्टॉल कर लिया है एसर एक्सपर्ट 7 लैपटॉप के अंदर और गेम प्ले कुछ इस तरह से हमें मिला गया। सो यहाँ पर जल्दी से स्किप करते हैं। तो ये हमारा गेम आ गया एंड कुछ इस तरह से है। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस को बढ़ा दूंगा सो शायद आप अच्छे से देख पाओगे। ओके, सो बूम भाई साहब, देख पाओगे जो एपीएस है तो 59 के आसपास है एंड काफी अच्छे से चल रहा है। बहुत ही बढ़िया हमारे यहाँ पर गेम चल रहा है। सिक्सटी के ऊपर हमें यहाँ पर एपीएस मिल रहा है बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स है दोस्तों। एंड फर्स्ट क्लास से गेम यहाँ पर हमारा चल रहा है, 72 हो गया जो कि काफी अच्छी माना जाएगी, अच्छी एपीएस माना जाएगी भाई साहब। कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमें मिला है जो कि हम फिर से और कुछ डॉक्यूमेंट मिला है। चलो भाई साहब, ओ भाई भाई, गेम जो है काफी अच्छे से चल रहा है। सो यहाँ पर जो एपीएस है तो 60 के आसपास ही रह रहा है एंड जो सीपीयू का टेम्परेचर है 83 के आसपास है जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। एंड यहाँ पर न्यू मिशन हमको मिल गया है एंड इस बार आप देख पाओगे जो एपीएस है तो 30 के आसपास आ गया है। सो ये जो 30 के आसपास आया है दोस्तों, इसके पीछे मेन रीजन है। सो यहाँ पर मैं जब दोस्तों पहले खेल रहा था वो चार्जिंग में लगा के खेल रहा था। अभी दोस्तों जो मैं खेल रहा हूँ दोस्तों बैटरी के साथ खेल रहा हूँ। सो अगर आप बैटरी के साथ खेलोगे जो एपीएस है दोस्तों आपका ड्रॉप हो जाएगा। सो यहाँ पर अब मेरा जो हाउस के अंदर लाइट है दोस्तों चला गया है, इसलिए जो टेम्परेचर है वो भी दोस्तों यहाँ पर कम हो गया है, जो एपीएस है वो भी कम हो गया है। सो अगर आप चार्जिंग में लगा के खेलोगे तो आपको अच्छा एपीएस मिलेगा, बट अगर आप बैटरी में खेलोगे तो एपीएस जो है दोस्तों ड्रॉप हो जाएगा। सो ये जो सेटिंग्स आप देख पाओगे दोस्तों डिफॉल्ट सेटिंग्स है, यहाँ पर हमने सेटिंग्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ अभी फिलहाल नहीं किया हूँ एंड यहाँ पर देखते हैं क्या हम सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ कर पाते हैं नहीं। ओके, सो देख पाओगे सभी यहाँ पर लो कर दिया गया है, हमने यहाँ पर हाई कर देना है सब कुछ को। हमने हाई और अल्ट्रा जो हो सकता है वो करने वाले हैं हम। ओके, सब कुछ को हाई कर दिया, उसके बाद इसे अल्ट्रा कर देते हैं एंड देख पाओगे जो चीज दोस्तों हो सकती है सब यहाँ पर हमने कर दिया है। उसके बाद देखते हैं अल्ट्रा हुआ है या नहीं डिस्प्ले के अंदर। सो देख पाओगे यहाँ पर टेक्सचर फिक्सचर सब कुछ यहाँ पर हमने हाई कर दिया है कोई भी चीज यहाँ पर। ओके, सो हाई करने के बाद देखिए दोस्तों जो एपीएस है वो 23-27 के आसपास हो गया है और गेम थोड़ा सा चॉपी हो गया है एंड कुछ अलग अलग अटक अटक के चल रहा है थोड़ा सा।
अभी मैं दोस्तों बैटरी के साथ खेल रहा हूँ इसलिए शायद अटक अटक के चल रहा है, बट अगर आप दोस्तों इस गेम को चार्जिंग में लगा के खेलोगे तो आपको ज़्यादा FPS मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ के लिए आपको ध्यान देना होगा। अभी फिलहाल मेरा घर के अंदर लाइट नहीं है इसलिए जो FPS है 60 से डायरेक्टली ड्रॉप हो गया था 30 FPS के अंदर। सो इससे मालूम चलता है अगर आप GTX 1650 को बैटरी के साथ खेलोगे तो जो FPS है वो आपको इतना अच्छे से नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू चार्जिंग। चार्जिंग के अंदर आपको ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। इस चीज के लोगों को ध्यान देना होगा। ठीक है, FPS देख पाओगे 26 24 कुछ इस तरह से हमें मिल रहा है। एंड गेम प्ले भाई साहब इवन बैटरी 30 के आसपास है, कुछ कुछ टाइम कम भी हो जाता है, बट ये क्या है भाई साहब। इस बार दोस्तों जो जो लाइट है हमारा वापस आ चुका है, देख पाओगे लाइट वापस आने के साथ साथ ही दोस्तों जो FPS है 50-60 के आसपास चला गया है। सो इससे हमें मालूम चलता है अगर आप अपने लैपटॉप को बैटरी के अंदर खेलोगे तो जो FPS है तो कम FPS मिलेगा। जो GTX 1650 है पूरा पूरी जूस आप नहीं निकल पाओगे, बट अगर आप इसे चार्जिंग में लगा के खेलोगे आपको ज़्यादा FPS मिलेगा। फिर से दिखा दो दोस्तों जो FPS है डिस्प्ले के अंदर, यहाँ पर हाई FPS है, हाई ए टेक्सचर भाई सब लो अल्ट्रा, ओके इसे हम अल्ट्रा कर देते हैं। सो यहाँ पर देख पाओगे सब कुछ जितना अल्ट्रा और हाई हो सकता है उतना अल्ट्रा हमने यहाँ पर कर दिया है। ओके फिर से डिस्प्ले के अंदर भाई सब लो क्यों हो जा रहा है। सो कर दिया भाई साहब, यहाँ पर FPS देखना 53-54। एंड गेम बहुत ही बढ़िया चल रहा है भाई साहब। भाई 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 नहीं 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 मेरा एमओ खत्म हो गया है भाई साहब। हमसे होशियारी बबुआ, ये जो सेटिंग्स है दोस्तों ये हाई सेटिंग्स से देख पाओगे बहुत ही बढ़िया है पर हमारा सेटिंग्स चल रहा है, गेम चल रहा है। जो मेली है मुझे काफी पसंद आया है मेली मोड। पेल दूंगा सबको पेल दूंगा। सो FPS तो 42 के आसपास हो गया है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो। ठीक है, सो फिर से यहां पर हमें आपको डिस्प्ले के अंदर ले चलता हूं, देख पाओगे सब कुछ यहां पर हाई में सेट है, सिर्फ वीसिंग यहां पर बंद करा है हमने। टेक्सचुअल जो रेजोल्यूशन है तो बार बार लो हो जा रहा है, आई डोंट नो वाई, बट ऑलमोस्ट सभी चीज यहाँ पर हाई सेटिंग्स के अंदर है। सो जैसे कि आपने देखा दोस्तों यहाँ पर अगर आप यहाँ पर लाइटिंग बैटरी के साथ खेलोगे दोस्तों जो FPS 30 के आसपास मिलेगा, बट अगर आप
चलो भाई साहब पेल के आते हैं, चलो भाई साहब मुझे ही पेल दिया, हाय 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 हाय। सो बैटरी के साथ खेलोगे, 30 FPS चार्जिंग में लगा के खेलोगे, इवन आप यहाँ पर फुल हाई सेटिंग्स में खेलोगे तो दोस्तों आपको अच्छा FPS मिलेगा। एंड CPU का टेम्परेचर 86 के आसपास है, एंड जो FPS अभी यहाँ पर दिख रहा है 60 आसपास मिल रहा है। सो हाई सेटिंग्स के अंदर आपको 50-60 के आसपास मिलेगा। जो गेम है इतना ग्राफिक का डिमांड नहीं करता, इसलिए कोई इशू नहीं है ज़्यादा। भाई साहब पेल दिया फिर से। एनीवे मैं आशा करूं दोस्तों वीडियो को पसंद आया होगा, सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच।